अब बात करेंगे मकर राशि, यानी कि ये साल 2023 मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, अगर हम मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न की बात करें, ये साल आपको मिला जुला फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर वालों के लिए अगर मैं कहूं तो इस साल थोड़ी सावधानियां आपको कुछ जगहों पे रखनी होंगी। शुरुआत में साल के शुरुआती चार महीनों में जनवरी से अप्रैल तक आपको अपने डाइजेशन का बहुत ध्यान रखना है। पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है शुरुआती चार महीने में, खासतौर से 23 अप्रैल तक। आपको ज्यादातर ध्यान देना है अपने तनाव का और अपने मन का, क्योंकि इस साल मेंटली आपकी परेशानियां ज्यादा हैं। कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, कोई शारीरिक समस्या ऐसी बड़ी नहीं दिख रही है, लेकिन मन को लेके, रिश्तों को लेके, चीजों को लेके बहुत सारी उलझने हैं और बहुत सारा तनाव है। मन वाले पार्ट पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। करियर का मामला साल के मध्य में परिवर्तन दिखा रहा है और यह परिवर्तन आपको बड़ी सफलताएं दे सकता है अगर आप बुद्धिमानी से परिवर्तन करते हैं तो। फाइनेंशियल मामला आपका अच्छा है, आर्थिक रूप से आपको मजबूती मिलेगी, पैसे को लेकर दिक्कत नहीं दिखती। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेच करके नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, यानी संपत्ति खरीदने और बेचने का काम करना चाह रहे हैं इस साल, तो ये काम आप जरूर कर पाएंगे। किसी न किसी संपत्ति का लाभ इस साल के सेकेंड हाफ में जून के बाद आपके लिए दिखाई दे रहा है। और साल के अंत में आपके जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, कोई लव अफेयर शुरू हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, विवाह तय हो सकता है, यानी नए रिश्ते आपके जीवन में इस साल के अंत में जुड़ेंगे, ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। तो इस साल में अपने मन को, तनाव को और अपने उतार चढ़ाव को मैनेज कैसे करें, कैसे बेहतर करेंगे उसे, पूरे साल भर भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे डेली। घर में चाहे घर में करें, मंदिर में चाहे मंदिर में करें, लेकिन रोज सुबह अर्पित करेंगे। हर मंगलवार और हर शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करेंगे शांतिपूर्वक। मंगलवार शनिवार को घर में बैठ करके शाम के समय में सुंदर कांड का पाठ करिएगा। बहुत सारी बाधाएं केवल इन दो दिनों के पाठ से इस साल आपकी दूर हो जाएंगी। एक चांदी का छल्ला अपनी सबसे छोटी उंगली में, राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में पहन लीजिएगा सोमवार की रात को या बुधवार की रात को। ये आपके तनाव को कम करने में, आपके स्ट्रेस को घटाने में आपकी सहायता करेगा। तो कुल मिलाकर सामान्य साल ये हमने देखा, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुंभ राशि की, कैसा रहने वाला है साल 2023 पंडित जी कुंभ राशि वालों के। जी, कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, ये साल आपके लिए कुल मिला के मध्यम दिखाई दे रहा है, यानी चीजें मिलेंगी लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद और एवरेज लेवल पर। स्वास्थ्य के लिए वर्ष पहले से थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन थोड़ा ही बेहतर होगा, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी अपने सेहत को ठीक रखने के लिए। मेहनत करेंगे तो इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। शरीर दर्द की समस्या, हड्डियों का दर्द, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी और थोड़ी बहुत वहम की समस्या, कुंभ राशि वालों को वहम बहुत जल्दी पकड़ता है, वो आपको इस साल कई बार पकड़ेगा कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आर्थिक मामले, पैसे के मामले और व्यापार के मामले अच्छे हैं आपके लिए, यहां पर आपको सफलताएं मिलेंगी, वहां पर बहुत दिक्कत नहीं है। जब तक बहुत जरूरत ना हो बेवजह कर्जा मत लीजिएगा, कर्ज के लेन देन से बचिएगा, कर्जा लीजिएगा भी नहीं और दीजिएगा भी नहीं, क्योंकि ये आगे चलकर आपके लिए मुश्किलों की बड़ी वजह बन सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, दवाइयों में, जांच में, इलाज में आपके खर्चे इस साल आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि भैया स्वास्थ्य के मामले में कॉन्शियस रहिए, वहम मत पैदा करिए अपने मन में।
इस साल अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल मनचाहा विवाह होने की संभावना आपकी जरूर बन रही है, यानी इस साल विवाह के लिए आप पूरी कोशिश पूरा प्रयत्न जरूर कर सकते हैं। तो देखिए, कुंभ राशि वाले स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, कारोबार पैसा आपके लिए कुल मिला के ठीक है, नौकरी की स्थिति आपके लिए एवरेज बनी रहेगी, शांति से काम करेंगे तो जीवन आपका चलता रहेगा, सिर्फ आपको अपने वहम का और अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है। क्या उपाय करेंगे इस साल? रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे, सादा जल प्लेन वाटर। नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा और किसी न किसी रूप में चांदी जरूर पहन लीजिएगा, चांदी का छल्ला पहन लें, चांदी का कड़ा पहन लें, चांदी की चेन पहन लें, इससे आपके चंद्रमा को मजबूती मिलेगी और जो वहम की बीमारी है उससे बहुत हद तक आप बचे रहेंगे। तो वहम की बीमारी से बचे कुंभ राशि वालों, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी पंडित जी देते हुए 2023 को कैसे शुभ बनाए। मीन राशि वाले अब पंडित जी से जान लेते हैं। जी, मीन राशि, इस साल आपको भी बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखना होगा। दो राशियां ऐसी हैं जहां पर सावधानियां थोड़ी ज्यादा रहेंगी, एक कर्क राशि और एक मीन राशि। अति विश्वास मत करिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरअंदाज मत करिएगा। अगर आपको स्वास्थ्य में थोड़ी भी दिक्कत लग रही है डॉक्टर से परामर्श लें, खुद अपनी डॉक्टरी मत करिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरअंदाज करेंगे, मामला गंभीर होगा। मोटापे का ध्यान रखिएगा, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिएगा और अपने डाइजेशन पर ध्यान रखिएगा। ये तीन चीजों पर आपको ध्यान बनाए रखना है और छोटी समस्या भी हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके सलाह लेना आपके लिए बेहतर होगा। फाइनेंशियल मैटर आपके लिए ठीक है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है इस साल में और नौकरी भी आपकी स्टेबल रहेगी। नौकरी के मामले में कोई बड़ा रिस्क मत ले लीजिएगा, नहीं तो फिर मुश्किल में पड़ेंगे। नौकरी जैसी चल रही है, आराम से चल रही है, उसे आराम से चलने दीजिए। कर्जों के मामले से आपको राहत मिलेगी इस साल, आप जो भी पैसे थोड़े बेहतर कमा सकेंगे उनसे आप अपने कर्जे चुका पाएंगे, कर्ज का प्रेशर बहुत हद तक इस साल में आपका कम होगा। रुका हुआ धन अगर कहीं पर है, फंसा हुआ धन है, वो आपको मिल सकता है, विरासत में पैसा मिल सकता है, परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की तरफ से आपको धन मिल सकता है, यानी आकस्मिक धन लाभ की संभावना 2023 के अंत में बन रही है। अगर आप अविवाहित हैं तो ये साल विवाह के लिए बहुत सूटेबल नहीं है, विवाह हो पाना इस साल में आपके लिए कठिन दिख रहा है। थोड़ी सी संभावना साल की शुरुआत में हल्की सी बनती है लेकिन वो संभावना बड़ी कम है। अगर आपको बहुत जरूरी है विवाह के लिए प्रयास करना तो साल के शुरुआती 4 महीनों में ही प्रयास करने पे कुछ फायदा आपको हो सकता है। क्या करेंगे उपाय वर्ष अच्छा हो जाए? रोज सुबह भगवान लक्ष्मी नारायण की, यानी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करेंगे। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः। एक रुद्राक्ष की माला, 5 मुखी हो, 6 मुखी हो, 10 मुखी हो, जितने भी मुखी हो, एक रुद्राक्ष की माला आप जरूर पहनिएगा। इसको पहनने से कोई गलत तरह का निर्णय आप नहीं लेंगे और कोई गलत तरह का निर्णय लेकर के आप मुश्किल में नहीं पड़ेंगे।